21वीं सदी का साइबर जमाना, एक ऐसी आभासी मोहक दुनिया जिसमें फंसने के बाद जब तक भूल का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। सातीर के जाल में फंसकर शिकार केवल फड़फड़ा सकता है। हनी ट्रैप ऐसा एक साइबर क्राइम है, महानगरों के बाद इसकी चपेट में अब छोटे शहर और कस्बे भी आ गए हैं। अमूमन हर युवा और प्रौढ़ के हाथ में स्मार्टफोन है, तो वह इंटरनेट के साइटों के जरिए देश, दुनिया, मित्रों और रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। इसी आभासी दुनिया में वो एक शिकार बन जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम में बैंक फ्रॉड के साथ सबसे अधिक मामले हनी ट्रैप के आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के काम आए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ओके करें ताकि हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनी ट्रैप के बारे में। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं हनी ट्रैप क्या होता है। हनी ट्रैप दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हनी और ट्रैप से। हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल। सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो कहाँ फंस गया है। खूबसूरत महिलाएं, हाई प्रोफाइल लोगों को, दुकानदारों को, युवाओं को और प्रौढ़ लोगों को इनका शिकार बनाती हैं और उनसे मोटी रकम वसूल लेती हैं। हनी ट्रैप एक सोची समझी साजिश होती है जिसके तहत किसी इंसान के राज उगलवाए जाते हैं या कोई खुफिया या उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकाली जाती है। इसमें इंसान को अनैतिक व अवैधानिक शारीरिक संबंधों के फेर में उलझाकर उसे दुनिया के सामने लाने की धमकी दी जाती है। कई बार चरित्र को उजागर करने में भी इसका उपयोग होता है। दुनिया के कई देशों में भी लोग इसका शिकार हुए हैं, जिसमें कई बड़े राजनेता, अभिनेता और बड़े पदों पर बैठे ऑफिसर भी हैं। उसके एवज में उससे मोटी रकम उसके बताए हुए अकाउंट में डालने को कहा जाता है। रकम को अकाउंट में न डालने के एवज में उसे इंटरनेट साइट पर डालने की धमकी दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि किसी भी इंसान को हनी ट्रैप के जाल में किस तरह फंसाया जाता है। इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए संभ्रांत परिवार के युवा और प्राउड लोगों को ये लड़कियां अपने जाल में फंसाती हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर भी ब्लैकमेल और खुफिया जानकारी निकाली जाती है। फर्जी प्रोफाइल और उस पर किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा हनी ट्रैप का मुख्य हथियार होता है। यह जरूरी नहीं कि सामने जो लड़की बात कर रही है वो वास्तव में लड़की ही हो। कई बार पुरुष एजेंट महिला बनकर बातें करते हैं। खूबसूरत चेहरे की कशिश और लच्छेदार बातों से हनी ट्रैप में फंसा व्यक्ति अपने सारे राज उगल देता है, यानी संबंधित के बारे में सारी जानकारी जुटा ली जाती है। विश्वास जीतने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान कर चैटिंग शुरू कर दी जाती है। यदि उनके हाथों शिकार की आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो अथवा कोई जानकारी लग जाती है
तो उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगते हैं। शिकार पूरी तरह वश में आ जाता है। जाल में फंसे व्यक्ति को वास्तविकता का पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती। इस जाल में शिकार फंसता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन इससे बाहर निकलना उसके वश में नहीं रहता। सामने वाला उसे जब तक चाहता है प्रयोग करता है। तो आइए जानते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही किस तरह से हनी ट्रैप के जाल में लोग फंस जाते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही फंस जाते हैं जाल में। खूबसूरत चेहरे वाली कोई लड़की सामने वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। एक बार इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते ही आपसे जुड़ी अधिकांश जानकारी हनी ट्रैप करने वालों पर पहुंच जाती है। इसके बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ सप्ताह या महीनों तक सामान्य बातचीत होती रहती है। हनी ट्रैप करने वाले वर्चुअल वर्ल्ड के सातिर अपनी प्रोफाइल पर खूबसूरत लड़कियों के फोटो लगाते हैं। इसके पीछे उनकी सोची समझी साजिश होती है, क्योंकि किसी भारतीय युवती या अभिनेत्री एवं मॉडल का फोटो लगाने पर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोग उसे तत्काल पहचान जाते हैं, जबकि विदेशी मॉडल या युवती को नहीं पहचानते हैं। इसलिए आसानी से हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। युवतियां खुद को अमेरिकन या यूरोपीय देश का बताती हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही शिकार को जाल में फांस लेते हैं। आजकल छोटे शहरों और कस्बों सहित ग्रामीण इलाकों में भी हनी ट्रैप ने दस्तक दे दी है। प्रोफाइल लॉक लगी आईडी से अगर फ्रेंड बनाने की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हैकर दूसरे की आईडी को हैक करके उस व्यक्ति की दूसरी आईडी बना लेते हैं। उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फ्रेंड से संपर्क करें, उसके और उसके आईडी के बारे में जांच करें। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों की आईडी ब्लॉक करना सबसे बेहतर उपाय है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।